माँ, पहले तो सृष्टि के संकेत देने वाली बात हमें निरर्थक लगती थी, किंतु अब नहीं। हमें तो हमेशा से ही लगता था कि कहीं कोई एक बड़ी सूझ है जो हमें संकेत देती रहती है। हम उसे ईश्वर कहें, अंतर्मन या अंतर्दृष्टि, परंतु कुछ तो है। और आज हमें जो संकेत मिला है उससे हमें भरोसा हो गया कि चिकित्सक ध्रुव और तारू एक दूसरे को पूरा करने के लिए ही जन्मे हैं। कभी दो प्रेमी समय सदी के पार नहीं मिले। इन दोनों की प्रेम कहानी अनोखी है, अभूतपूर्व है। और महावीर, आज जो हमें बात पता चली है उससे हमें भरोसा हो गया कि जो कुछ हो रहा है ना, वो ऐसे ही नहीं हो रहा। सृष्टि और ब्रह्मांड दोनों की तीव्र इच्छा है कि ध्रुव और तारा दोनों एक हों। किंतु आज आपको ऐसा क्या पता चला है माँ? हम अगर आपको बताएंगे तो आपको विश्वास नहीं होगा महावीर। वो सज्जन पुरुष जिन्होंने हमारी मदद की थी 17वीं शताब्दी में वापस आने की, वो महापुरुष श्रीमान रवि, ये चिकित्सक ध्रुव के पिता हैं। तारा, 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 तुम कहाँ हो? ये नहीं हो सकता, ये असंभव है। भाग्य हर असंभव को संभव कर देता है महावीर, ये ही हुआ है। हमारी वजह से रवि जी का परिवार एक बार बिखर चुका है, हम फिर से उनके परिवार को पीड़ा नहीं दे सकते। जो बीत गई सो बीत गई माँ, यदि वो सच में चिकित्सक ध्रुव के पिता हैं, तो आप उन्हें शीघ्र अतिशीघ्र कहिए कि वो चिकित्सक ध्रुव को लेकर वापस अपनी सदी में जाए, अपने घर जाए, अपने परिवार वालों के पास जाए। महावीर, अगर हम उन्हें वापस भेज भी दे तब भी उनका परिवार तो अधूरा ही रहेगा ना। क्यों माँ, कैसे? क्योंकि तारू यहाँ है महावीर, तारू के बिना उनका परिवार अधूरा है। महावीर, चिकित्सक ध्रुव और तारू का दिव्य मिलन कराने के लिए हमें आपकी सहायता की आवश्यकता है। नहीं माँ, ये हम नहीं कर सकते, और हम आपको भी ये नहीं करने देंगे। पर क्यों? क्योंकि सच ये है कि यदि चिकित्सक ध्रुव और तारू का विवाह हुआ तो चिकित्सक ध्रुव के प्राण संकट में आ जाएंगे। प्राण संकट में। ध्रुव को उनके पिता के मिलने का शुभ समाचार देना है। कहाँ है वो? तारा, चिकित्सक ध्रुव, हम कब से? एक मेरा प्यार तुम्हें मेरे पास ले ही आया तारा। चिकित्सक ध्रुव, हमें आपसे बहुत विशेष बात करनी है। ये वही बात है ना तारा, जो मैं सुनना चाहता हूँ, कानों से नहीं दिल से। प्लीज कह दो तारा कि तुम सेनापति से शादी नहीं करोगी, तुम मेरे साथ मेरी सदी में चलोगी। सोच क्या रही है चिकित्सक ध्रुव, चलिए शीघ्र चलिए। नहीं माँ,
हम ये नहीं कर सकते और हम आपको भी ये नहीं करने देंगे। पर क्यों? मां रवि जी जैसे सज्जन पुरुष को इतने वर्षों तक हमारे राज्य में दंडित करके रखा गया, जिसका बहुत विशाल बोझ है हमारे मन पर, उसका पश्चाताप भी नहीं कर सकते हम। पर अब उनके पुत्र के साथ एक और अनहोनी होने देकर हम एक और पाप नहीं कर सकते मां। महावीर, आप चिकित्सक ध्रुव और तारू के लिए अनहोनी पाप ऐसा क्यों कह रहे हैं? बात इतनी सरल नहीं है माँ, आप समझ नहीं रही हैं। तो आप समझाइए ना। इससे अधिक नहीं समझा सकते हम आपको। महावीर, हम समझते हैं, आप महाराज की वजह से चिंतित हैं। हम आपको वचन देते हैं, हम उन्हें समझा लेंगे और आवश्यकता पड़ी तो हम सच का साथ देने के लिए महाराज के विरोध में खड़े होंगे, क्योंकि हमारे लिए हमारी पुत्री की खुशियों से अधिक और कुछ नहीं है। क्या आप अपनी बहन की खुशियों का बीड़ा उठाने के लिए तैयार हैं? ये कैसा प्रश्न है माँ? आप जानती हैं कि हमारे लिए तारू की खुशियों से बढ़कर और कुछ भी नहीं है, किंतु आप जो अपेक्षा हमसे कर रही हैं ना, यदि वो हमने कर दिया तो अनर्थ हो जाएगा। ये मिलन चिकित्सक ध्रुव के प्राण ले लेगा माँ। मुझे लगता है हमें चिकित्सक ध्रुव को सब बता देना चाहिए कि वो अपने पिता को यदि सुरक्षित और जीवित रखना चाहते हैं तो उन्हें वल्लभगढ़ छोड़कर जाना होगा। सच जानने के बाद वो यहाँ से अवश्य चले जाएंगे। नहीं जाएंगे, हम जानते हैं उन्हें अच्छी तरह। वो तो ऐसे व्यक्ति है माँ जो अनजान व्यक्तियों की भी सहायता करते हैं, और यहाँ बात उनके पिता की है। यहाँ उन्हें अकेले छोड़ ऐसी जगह में अकेले छोड़ कैसे जा सकते हैं जहाँ उनके पिता की जान को जोखिम हो? चिकित्सक जी, थारू और सेनापति के विवाह को लेकर वैसे ही परेशान है, ऐसे में उनके पिता के अपहरण का समाचार सुनकर तो वो बहुत व्यथित हो जाएंगे। हमारी वजह से एक पुत्र अपने पिता से इतने वर्षों से अलग रहा है, अब जब दोनों मिल सकते हैं, हम चाहकर भी उनका मिलन नहीं करवा सकते। राजदंड तो हमने भुगत लिया, परंतु ये ग्लानी हम बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। जब तक हम रवि जी को नहीं ढूंढ लेते, जब तक वो हमारे संरक्षण में नहीं आ जाते, हम चिकित्सक ध्रुव का सामना नहीं कर सकते। तो फिर अब क्या करें माँ? हमें पता है हमें क्या करना है। सेनापति, अपने ओहदे की सीमा रेखा लांघी है आपने। ये आप क्या कह रहे हैं युवराज? एक सेनापति के लिए अपनी तलवार को धार लगाना कब से अनुचित हो गया? नहीं है, किंतु तलवार में धार चाहे कितनी भी हो, रखना उसे शिष्टाचार के म्यान में ही चाहिए। लड़ाइयां शिष्टाचार से नहीं, तलवार के वार से लड़ी जाती हैं युवराज। आप तो भली बात ही जानते हैं। हम तो जानते हैं, किंतु सेनापति होते हुए आप भूल गए कि तलवारों से लड़ाइयां लड़ी तो जाती हैं, किंतु मात्र तलवारों के बल पर लड़ाइयां जीती नहीं जाती। आप सही कह रहे हैं युवराज, बल के साथ कौशल का होना भी आवश्यक है। अपने चारों तरफ देखिए युवराज, ये जो अस्त्र और शस्त्र रखे हुए हैं ना, इनका प्रयोग करने के लिए हमारे पास केवल बल ही नहीं, कौशल भी है। आप फिर एक बार भूल गए सेनापति कि इन सब के साथ एक और गुण अत्यंत आवश्यक है, हिम्मत। उसी का प्रदर्शन किया है हमने युवराज। चिकित्सक ध्रुव के पिता श्रीमान रवि को अगवा करना हिम्मत का नहीं, कायरता का प्रदर्शन है। हमने वही किया जो
जो हमें करना पड़ा। अपने ओहदे और शिष्टाचार की सीमा को हमें लांघना पड़ा, क्योंकि आपकी प्रिय बहन और हमारी होने वाली पत्नी, उसने अपनी मर्यादा की सारी सीमाएं लांघ रखी हैं युवराज। सेनापति, आप भूले ना कि आप हमारी बहन के विषय में बात कर रहे हैं। एक भी अपशब्द बर्दाश्त नहीं करेंगे हम। सही कहा आपने युवराज, उनके प्रति आप एक भी अपशब्द सहन नहीं कर सकते, किंतु तनिक हमारा सोचिए। हमारी होने वाली पत्नी की आंखों में प्रतिदिन हम किसी और पुरुष के लिए प्रेम देखें, ये कैसे सहन कर पाएंगे हम? युवराज, उस चिकित्सक को वल्लभगढ़ से बाहर भेज दीजिए, उसके पश्चात ही हम उसके पिता को मुक्त करेंगे। युवराज, छल और कपट से आप राजकुमारी तारा प्रिया का तो क्या, किसी का भी प्रेम नहीं पा सकते सेनापति, किंतु आज आज आपने हमारे हृदय में अपने प्रति घृणा अवश्य अर्जित की है। इसलिए हम चंद्रवंशी वल्लभगढ़ के युवराज महावीर आपको चेतावनी देते हैं, यदि आपने चिकित्सक ध्रुव के पिता को बंधन से मुक्त नहीं किया तो हम आपके साथ क्या करेंगे इसका अनुमान भी नहीं है आपको। हम चेतावनी के नहीं, सीधे हमले के आदी हैं युवराज। हमारी सलाह है आपको, अति शीघ्र उस चिकित्सक को वल्लभगढ़ की सीमा से बाहर भेज दीजिए, अन्यथा अपने आत्मसम्मान की रक्षा के लिए कब और कितनी सीमा लांघेंगे हम, इसका अनुमान न आपको है, न राजकुमारी को और न स्वयं हमें। ये दुस्साहस बहुत भारी पड़ेगा आपको। केवल हमें युवराज, नहीं, सबको। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.